नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर में। और आज हम बात करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मैंने IBACIO 2017 में जो हुआ था वो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, Tier 1 Tier 2 इंटरव्यू में। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं, देखिए, पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करेंगे। मैथ्स की अलग बात करेंगे, रीजनिंग की अलग बात करेंगे, GS और आपका इंग्लिश है उसकी अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए, मैथ्स में आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जिन बच्चों को मेरिट में लाना है तो इस 20 में से अधिकतर वो पूरा कोशिश करेंगे 20 में से 20 लाएं, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम है इसलिए पूरा डिपेंड करता है कि एग्जाम हो तो वो, मतलब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। जैसे पिछली बार जब IBACIO का एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन अधिकतर जो या तो टाइम डिस्टेंस से आ गए थे या तो एवरेज चैप्टर से आ गए थे। अगर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या आप चाहते हैं वो मैं वीडियो बनाऊँ उस पर, तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि उस पर मुझे बनाना चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है मेरे पास और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें देखिए, एक तो मेन मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं उसमें तो 25 आए थे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके पास? तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो है ही, आपको ये टॉपिक तो अच्छे से करना ही होगा। मैं इस वक्त करा भी रहा हूँ, आप 2 लेक्चर में दे सकते हैं। टाइम डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IBACIO में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे केवल इकलौते, मतलब 25 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन लगभग टाइम डिस्टेंस के आगे थे। अब टाइम डिस्टेंस में वो भी आया था, ट्रेन भी आपका टाइम डिस्टेंस में आता है, बोट एंड स्ट्रीम टाइम डिस्टेंस में आता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन नहीं आए थे। दूसरा टॉपिक जो है आपका एवरेज है, एवरेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी 2 क्वेश्चन लगभग आए थे। परसेंटेज से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनते हैं, लेकिन परसेंटेज का यूज करके और टॉपिक्स में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का यूज करते हैं, मिक्सचर में परसेंटेज का यूज करते हैं, और बहुत से ऐसे टॉपिक है, CI में भी बहुत यूज करते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है आपका रेशियो, और रेशियो के बाद आपका आता है मिक्सचर। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके इंपॉर्टेंट है। IBACIO में इतना नहीं आया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो बेसिक आपका है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये इसका पूरा सिलेबस SSC की तरह नहीं है, इसका पूरा सिलेबस बैंक की तरह भी नहीं है, ये SSC और बैंक के बीच में लाया करता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन SSC में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन बैंक्स में आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इसके क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। वो क्वेश्चन था कि एक हॉल में इतने लोग बैठे हैं तो कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन उसमें आते हैं। प्लस नंबर सीरीज के क्वेश्चन इसमें आ गए थे। देखिए, जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन इसमें भी आए थे, रीजनिंग में आए थे। रीजनिंग में अल्फाबेटिकल जो सीरीज बनती है वो वाले आए थे, और इसमें सिंपल नंबर वाले सीरीज आए थे, ठीक है। तो दोनों में आ सकते हैं, तो इस पर नंबर सीरीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। रॉन्ग नंबर सीरीज तो नहीं आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज आपकी आई थी। तो अब देखो, सबसे ज्यादा जो प्रिपरेशन के लिए आपकी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, जो सबसे अच्छी है, तो कोई बुक आपको रेफर नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अच्छी बुक है वो है राकेश यादव की 7300+। इस बुक से आप प्रिपरेशन कर लें, इस बुक से आप क्वेश्चंस कर लें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो सॉल्यूशन इनका वो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। केरन पब्लिकेशन में क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं उससे, मतलब थोड़ा सा चैप्टर वाइज दे, मतलब लेवल वाइज दे रखा है कि आप पहले लेवल 1 कर लीजिए, फिर उसके बाद लेवल 2 कर लीजिए, लेवल 3 कर लीजिए। तो क्वेश्चन की क्वालिटी इसमें केरन पब्लिकेशन में और भी अच्छी है, और लेकिन इनका सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक्स ले सकते हैं, मैं आपको राकेश यादव रेफर करूंगा कि आप उसको लीजिए, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये तो हो गई मैथ्स की, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या है आपका, देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए, टॉपिक तो इसमें बहुत है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस बने थे, तो उन टॉपिक को मैं काउंट इसमें ले रहा हूँ। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, स्लॉग वाले टॉपिक, ये स्लॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लॉग हो गया, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज वाली, और मिसिंग नंबर सीरीज तो आएगी और मिसिंग नंबर भी आते हैं, जैसे कुछ जो पैटर्न बनते हैं कि ये और मतलब एक पूरा स्क्वायर में बना देते हैं, तो वो वाले मिसिंग नंबर्स। प्लस क्लॉक के क्वेश्चन इसमें इसमें आए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे, रॉन्ग वन आउट, कोई भी ऑड है, ऑड वन आउट या रॉन्ग वन आउट वैसे करके आप कुछ भी मान लीजिए, वो वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड असर्शन मतलब कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए आपके बुक कौन सी है, RS अग्रवाल की एक बुक आती है, रीजनिंग की भी आती है,
और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मतलब रीजनिंग की, तो दोनों में से किसी कोई सी बुक ले सकते हैं और दोनों ही अच्छी हैं, क्योंकि इसके रीजनिंग के लिए कोई सफी मतलब मैंने कोई बुक से नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मैं आपको वैसे बुक नहीं बता सकता हूँ। आप केवल कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप किरण की कोई पब्लिक प्रैक्टिस सेट लीजिए या किसी भी अगर पब्लिकेशन की पब्लिक प्रैक्टिस सेट है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कोई ज्यादा मतलब बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप किसी ऐप पे, आपको ऐप्स पे बहुत मिल जाएंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर भी कोई आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको बुक जरूर लेनी चाहिए, आपको सारी चीज़ एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर टॉपिक्स में, अगर आप कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट रैंडमली आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, डायरेक्ट सर्च कर लीजिए कि ये टॉपिक मुझे चाहिए, तो कई वीडियोज़ आ जाएंगे, जिन वीडियोज़ पर व्यूज़ अच्छे आए हुए आप उनको एक बार देख लीजिए, तो वो व्यूज़ अच्छे अच्छे वीडियोज़ होते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सिलेबस मतलब कहने मतलब कि इसे आप कम टाइम में बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बहुत सी चीज़ अच्छे कर पाओगे। सिनोनिम एंटोनिम्स एक दिन में अच्छे नहीं होते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसलिए जितना इसमें मतलब इंग्लिश ये है कि मैथ्स रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपने आज पढ़ा तो आपको आज रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आज पढ़ोगे तो रिजल्ट आपको एक साल बाद मिलता है, क्योंकि इंग्लिश बहुत प्रैक्टिस मांगती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिनोनिम एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस, बहुत क्वेश्चन आए थे इन तीनों टॉपिक से, लगभग मतलब सोचिए IBACI में 25 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक से आ गए थे। वन वर्ड्स इतने आए नहीं थे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी आ जाते हैं। फिलर्स एरर डिटेक्शन, आप इंग्लिश कभी भी करोगे आपको इन दोनों से तो मतलब आपको सामना करना ही पड़ेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन कई आए थे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे। आपको इंग्लिश प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? देखिए अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आपको इतने अच्छे मतलब आपकी इंग्लिश नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ल्यूशन की जो जनरल इंग्लिश की बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, उससे बेसिक मतलब मैंने उससे अच्छी बुक नहीं देखी है, मैंने उसी से पढ़ाई करी है और मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है। बहुत से मैंने और सी बुक्स पढ़ी है, लेकिन ल्यूशन जनरल इंग्लिश से अच्छी बुक कोई और नहीं लगी मुझे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से और बहुत ही ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट समझाता था वो। इसमें रूल्स बहुत होते थे, तो जिनको अगर कोई सोचते हैं कि मुझे कम रूल्स पढ़ना पड़े तो वो ल्यूशन जनरल इंग्लिश ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रूल्स बहुत होते हैं लेकिन वो बाकायदा समझाता बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके लिए। दूसरी बुक है नीतू सिंह की, जो नीतू सिंह जी हैं वो KD कैंपस वाली, उनकी बुक पहले की जो थी प्लेन टू पैरामाउंट, ये बुक भी बहुत अच्छी है। प्लेन टू पैरामाउंट या SP बख्शी बुक, इन दोनों में से कोई सी भी आप एक बुक ले लें, उससे भी पढ़ लीजिए अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या हिंदी में भी आता है, या तो आप बुक ले लें, या तो पता है आप नेट पे सीधे PDF सर्च मार लीजिए, PDF भी मिल जाती है आपको, तो आप PDF से पढ़ सकते हैं तो आप PDF से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, ये बेस्ट बुक है, आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बुक आपको जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब अगर कोई मुझे सजेस्ट करना हो कि आप जिंदगी में कोई पांच बुक बताओ जिसे आपको पढ़नी चाहिए, तो वर्ड पावर मेड इजी मतलब उसमें से एक बुक होगी। आपको वोकैब याद करने के लिए इतना रूट मतलब हर एक वर्ड की रूट मतलब उस पर काम किया गया है कि आप वहां से सारे वर्ड्स याद करिए। जैसे तो कोई भी है, जैसे एंथ्रोप रूट वर्ड होता है मैन का, अब एंथ्रोप से जो भी वर्ड बने होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया या फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, मतलब जितने भी हैं, गैम रूट वर्ड होता है कि मैरिज का, तो मिसोगैमी हो गया, पॉलीगैमी हो गया, मोनोगैमी हो गया, मिस रूट वर्ड होता है हेट का, तो मिसोगाइन हो गया, कुछ भी मतलब ऐसे कई रूट वर्ड्स हैं, उन रूट वर्ड्स को मिला के कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस बुक में बताया गया है, और बहुत ही अच्छी बुक है ये, 150 की बुक आएगी। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर लीजिएगा, आपके पास में कहीं मिल जाएगी, और नॉर्मन लुइस इसकी राइटर है, फॉरेन राइटर है, और बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, तो इसलिए आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश की बात बता दी, और प्लस पर डे अपना रीडिंग पैसेज जो है आप उसे पढ़ा करिए, क्योंकि आपको अगले जो Tier 2 है उसमें बहुत काम आएगा, तो आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश वाला, तो वहाँ पे आपको फायदा होगा वहाँ पे पैसेज वैसेज राइटिंग में, क्योंकि आप बाकी अगर दूसरे लैंग्वेज वाले हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं GS की। तो देखो जनरल अवेयरनेस जो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे तो सारे चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी आपको इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आता है, साइंस एंड टेक आता है, स्पोर्ट्स में आपका आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया कि मतलब भारत के किसी और देश से रिश्ते क्या चल रहे हैं, या बस बाकी और सब चीज़ें, फेमस पर्सनैलिटी आ गई जो स्पोर्ट्स की भी हो सकती है या कोई भी चेहरा हो सकता है जो इस वक्त लाइमलाइट में है, और प्लस कंप्यूटर के एब्रीवेशन हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं टॉपिक वाइज मतलब जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है मैं उसको बताऊंगा आपको पढ़ना कहाँ से है।
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये आप या तो लुशन की जीके से पढ़ लें, जो लुशन की जीके वाली बुक आती है आप वहां से पढ़ लीजिए। इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स का काम आता है, आप डायरेक्ट फैक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, संविधान में कोई बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में या इकोनॉमिक्स में डेटा वाली बात होती है, तो डेटा आप बार बार याद करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगी। ये दो टॉपिक ऐसा है जिसमें डेटा याद करते हैं। तो ल्यूशन की जीके बहुत अच्छी बुक है, या तो आप अरिहंत की जीके की बुक आती है वो भी ले सकते हैं, मनोहर पांडे उसके राइटर हैं, वो भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी बुक ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए मैं कह रहा हूँ। अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो है वो को रिलेट करने वाला टॉपिक है, मतलब हिस्ट्री ऐसी चीज है। मान लीजिए अगर आप बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप बाबर से पहले आप कहाँ पे कौन था वो चीज़ पढ़ेंगे, उससे पहले कौन था क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो अब वही है कि उस वक्त अगर मान लो कोई एक टाइम पीरियड में बताऊं और मैं कहूँ कि नॉर्थ इंडिया में ये रहता, तो आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया में क्या चल रहा था उस वक्त, क्या वहाँ पर क्या हो रहा था। तो सारी चीज़ें कोरिलेशन वाले टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसमें एक चीज़ आपको पता होगी तो दूसरी चीज़ में और मजा आएगा। तो इसलिए आप इनको किसी बुक से पढ़िए जहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं, 6th 7th 8th की बुक आप पढ़ लीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो 9th 10th की बुक भी पढ़ लीजिएगा, और बहुत बुक्स अच्छी हैं। तो आप मतलब कोशिश तो करिए पहले 6th 7th 8th की बुक पढ़िए, आपको अच्छा लगे तो आप आगे पढ़िए, तो यहाँ से आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है। या तो दूसरा है स्टेट बोर्ड की जो बुक होती है, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यू बता रहा हूँ, यूपी अगर आप 9th 10th जब भी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में जो बुक्स चलती हैं 6th 7th 8th की, या आप जिस कहीं से भी पढ़ते हैं आप वहाँ से कहीं भी कोई भी चल रही है बुक, आप वो वाली बुक्स ले लीजिए और 6th 7th 8th की एक बार बुक उनको पढ़ लीजिए। तो उस बुक से आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन आप ल्यूशंस की बुक से करिएगा या किसी भी अध्ययन की बुक से, आप वहां से ल्यूशन कर वो रिवीजन कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छे के लिए मतलब बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स में टॉपिक जो आते हैं वो साइंस टेक आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, फेमस पर्सनालिटी, ये सब करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप मंथली मंथली मैगजीन आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, मंथली मैगजीन बहुत से आते हैं, आपको जो भी मतलब अच्छा लगे आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेटा उसमें गलत ना दिया हो, सही दिया हो। ठीक है, दूसरा आप ये काम कर सकते हैं स्टडी आईक्यू, जो गौरव गर्ग सर हैं वो पर डे करंट अफेयर्स कराते हैं। मैं कोई और चैनल की बात नहीं करूँगा, केवल स्टडी आईक्यू की बात करूँगा, क्योंकि बहुत ही वो ऑथेंटिक न्यूज़ बताते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। वो पीसीएस यूपीएससी लेवल का बताते हैं, फिर भी आपको वहां से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कई आपको नॉलेज देते रहते हैं। तो अगर आप उनके वीडियोस अगर आप देख सकते हैं तो आप उनकी वीडियो देखिए, स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स, वो बहुत अच्छी उनकी मतलब जो डेटा होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और इसमें एक और मैं बताऊं, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर स्टडी आईक्यू में ही कुछ और वीडियोस बने हैं, जैसे प्रशांत धवन सर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे बना रखे, महिपाल सिंह राठौर हैं, उन दोनों सर ने कुछ मतलब जैसे कश्मीर इश्यू हुआ, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यू हैं वो भी बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो जब आपका इंटरव्यू वाला टाइम आएगा तो वहां पे आपको उस जगह से काफी मटेरियल मिलेगा, तो आप पूछिएगा उस वक्त मुझे, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा फिर से। तो वहां से तब तक क्या पढ़ना है, अभी तो मैं केवल ये प्री को आपको ध्यान में देते हुए सब कुछ बता रहा हूँ। और कंप्यूटर वेरिफिकेशन के लिए या तो आपके पास कोई बुक हो तो आप सही है, कोई खर्चा मत करिएगा बुक बुक लेने के लिए, या तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी पीडीएफ वेरिफिकेशन की, आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। और अगर अभी भी कोई डाउट है आपको बुक्स के लेके, या कोई प्रिपरेशन आपको टिप्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप बेशक मुझे बताइए। और अगर आप कहेंगे तो वो IBACI का जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्यूशन उसका पूरा करा दूंगा, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पर्सनल मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक पेज पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टडी आर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और स्टडी IQ को भी एक बार जाके देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।